जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका बिजयपथ डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज की इस वीडियो में मोर देन 10 बाउंड्री लाइंस डिस्कस करेंगे। और हर बार आर्मी के एग्जाम में एक बाउंड्री लाइन तो हर बार पूछी जाती है, तो उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। तो वीडियो को आपने शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, ताकि जब भी कोई हमारी एक नई वीडियो जेके की आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारे पास कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं। सबसे पहले नंबर वन पे आती है मैकमोहन रेखा। तो मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट वाली ही करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच है। तो मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, और इसे सर हेनरी के द्वारा जो है वो अंकित किया गया था। सेकंड पे आती है हिडनबर्ग रेखा। हिडनबर्ग लाइन जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। काफी छोटा सा टॉपिक है आज का, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट वन है मैगिनाट रेखा। मैगिनाट लाइन जो है हमारी ये जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। उसके बाद है मेन रहीम रेखा जो है ये रूस और फिनलैंड के बीच जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए रेडक्लिफ रेखा। तो रेडक्लिफ लाइन जो है बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, और इसे सर कायरिल रेडक्लिफ के द्वारा जो है वो अंकित किया गया था। नेक्स्ट वन आती है हमारे पास रेडक्लिफ के बाद जो है हमारे पास आती है 38वीं समांतर रेखा। तो 38th पैरेलल लाइन जो है ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। उसके बाद 49th समांतर रेखा पैरेलल लाइन जो है ये यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। यूएसए और कनाडा की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे 39वीं समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। उसके बाद भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ड्यूरेंट रेखा। ड्यूरेंट रेखा जो है ड्यूरेंट लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है, जिसे सर मार्टिमर ड्यूरेंट के द्वारा जो है 1896 में अंकित किया गया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज की ये वीडियो में। नेक्स्ट वन है मैजिनो रेखा। तो मैजिनो रेखा जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। उसी प्रकार से सीगफ्रिड रेखा भी हमारी जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक आपको एक और रेखा बताई है मैगिनट रेखा, ये भी हमारी जर्मनी और फ्रांस के बीच ही स्थित है। नेक्स्ट वन है ऑर्डर सी रेखा। ऑर्डर सी रेखा जो है ये हमारी जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। जर्मनी और पोलैंड के बीच जो है ये हमारी ऑर्डर सी रेखा स्थित है। और लास्ट वन हमारे पास आती है स्तारबी अक्षांश रेखा। ये है ये हमारी उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच स्थित है। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। और इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट थे वो थे हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास था ड्यूरेंट रेखा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच स्थित है। उसके बाद आती है रेडक्लिफ जो भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास मेन रहीम रेखा जो रूस और फिनलैंड के बीच है। उसके बाद है मैगिनट रेखा जो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। फिर हिडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो है हमारी मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच ये स्थित है, जिसे सर हेनरी के द्वारा जो है अंकित किया गया था। तो काफ़ी छोटी सी वीडियो थी आज की आपके लिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।